बीवी, सुना है कि जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, सही सुना है। बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली, इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। च्युइंगम चबाने वाले का मैदा जरूर ये सोचता होगा कि ये क्या खाया जा रहा है जो नीचे ही नहीं आ रहा। लड़की, तुम सब लड़के एक जैसे क्यों होते हो? लड़का, तुम सबको ट्राई क्यों करती हो? काम वाली काम के लिए आई तो देखा मालकन बैठी जारो कितार रो रही है। काम वाली, मालकन क्या हुआ? मालकन, तुम्हारे साहब का पता चला है कि उनका पड़ोस वाली जमीला से चक्कर है। काम वाली चिल्लाते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब, मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। एक औरत मर गई और जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या? जनाजे के आगे कुत्ता। शोहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी, ये कुत्ता मुझे दे दो एक दिन के लिए। शोहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता लेने आए हैं, चलो लाइन में लगो। पठान रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की, पहले 8 थे अब 9 हो गए। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पठान ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल अंदर तिलावत कर रहा था। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है।